तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो है इसमें आपको बताऊंगा अपने जो इंस्टाग्राम होता है उस पर अगर आप प्राइवेट अकाउंट करना चाहते हो और आपका नहीं हो रहा है। जैसे मैं आप पर आपको बता दूं, जैसे मेरा अकाउंट है ये, मैं यहाँ पर प्रोफाइल पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं प्राइवेट अकाउंट करने की कोशिश करता हूँ। तो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो ऐसा कुछ अगर आपके इसमें भी आ रहा है तो आज की इस वीडियो आपको बताऊंगा किस तरीके से इसका सॉल्यूशन हम कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपने इंस्टाग्राम पर प्राइवेट अकाउंट को कर सकते हो, मतलब अपने अकाउंट को प्राइवेट कर सकते हो बिल्कुल ही आसानी से। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए आज को सीखते हैं। तो यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन पर आ चुका हूँ, यहाँ पर प्रोफाइल पर भी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। आपको भी प्रोफाइल पर आ जाना है, देन यहाँ पर आपको थ्री लाइन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप कर रहे होगे मैं यहाँ पर बता देता हूँ, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। तो सिंपली आपको सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा अकाउंट प्राइवेसी का, इस पर आप जाओगे। अभी जो है पब्लिक अकाउंट, मतलब प्राइवेट नहीं है। अगर मैं यहाँ पर प्राइवेट पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने भी ऐसी अगर प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है बिजनेस अकाउंट कैन बी प्राइवेट, ओके आपको कर देना है। अब यहाँ पर आ क्यों रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका जो है प्रोफेशनल अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट है, तो ये जो है प्रॉब्लम आपके इसमें भी आएगी, आपका जो है अकाउंट प्राइवेट नहीं हो सकता। उससे पहले आपको क्या करना है, मतलब प्राइवेट करना है तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको ऊपर ऊपर आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा फॉर प्रोफेशनल्स, यहाँ पर आप देख सकते हो क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल्स, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा स्विच अकाउंट टाइप का, जो कि यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ स्क्रीन पर। तो स्विच अकाउंट टाइप पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हो यहाँ पर दो ऑप्शन आ चुके हैं, स्विच टू बिजनेस अकाउंट और स्विच टू पर्सनल अकाउंट। तो आपको क्या करना है, आप स्विच टू पर्सनल अकाउंट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे यहाँ पर मैं यहाँ पर स्विच टू पर्सनल करता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ चुका है स्विच टू पर्सनल अकाउंट, मतलब हम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्विच टू पर्सनल अकाउंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है, जो कि रेड कलर में आएगा। तो यहाँ पर जो है लिखा हुआ चुका है स्विच टू पर्सनल अकाउंट, तो हमारा जो अकाउंट है वो पर्सनल हो चुका है। अब हमें क्या करना है, थ्री लाइन पर फिर से जाना है, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पर जाना है, और अब आप जो है प्राइवेट अकाउंट कर सकते हो। अकाउंट प्राइवेसी पर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा प्राइवेट अकाउंट का, इसको आपको ऑन कर देना है। आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पर प्राइवेट हो चुका है। और इस तरीके का यूज़ करके आप अपने जो इंस्टाग्राम होता है उस पर अगर आपकी इसमें प्राइवेट अकाउंट की प्रॉब्लम आ रही है, नहीं हो रहा है, तो इसी तरीके का यूज़ करके आप कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है, बिजनेस अकाउंट जो होता है वो कभी भी प्राइवेट नहीं रह सकता, इसलिए आपको सबसे पहले बिजनेस अकाउंट को हटाना पड़ेगा, उसके बाद जो है आप प्राइवेट अकाउंट इजीली कर सकते हो। तो आई होप कि आपको पता चलिए हो किस तरीके से हम इंस्टाग्राम पर प्राइवेट अकाउंट कर सकते हैं, अपने बिजनेस अकाउंट को या फिर अपने नॉर्मल अकाउंट को। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि और भी ऐसी वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।